वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने आया हूँ, यह टॉपिक हमारी शासन व्यवस्था की दूसरी सीरीज में है और सीरीज का ये दूसरा चैप्टर भी है। हमने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में जो शासन व्यवस्था की चर्चा कर ली थी वो मुंडा शासन व्यवस्था थी, और अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह आपका नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और क्लास को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, बार बार देखें। ये नागवंशी शासन व्यवस्था है क्या? एक्चुअल में नागवंशी शासन व्यवस्था किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और क्यों यह अभी तक नहीं रही, इस बारे में बात करूंगा मैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न प्रायः ही पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि नागवंशी शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था शुरू हुई वह प्रथम शताब्दी में शुरू हुई। प्रथम शताब्दी में ही यह शासन व्यवस्था आई और इसे शुरू करने का श्रेय भी जाता है नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का। बहुत ही प्रतापी शासक था, जैसा कि आप लोग इतिहास में भी पढ़ेंगे। फणी मुकुट राय के काल में ही इन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी और यही पहले शासक थे जिन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था को अपने क्षेत्र में लागू किया। तो यह शासन व्यवस्था था क्या? जैसा कि मैंने इसलिए पहला वीडियो मुंडा शासन व्यवस्था पर बनाया क्योंकि नागवंशी शासन व्यवस्था उसी पर आधारित थी। नागवंशी शासन व्यवस्था जो फणी मुकुट राय ने अपने राज्य में स्थापित किया, इसका जो टर्म है सारे टर्म उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था से ही लिया। उसके बाद उसी टर्म को कुछ बढ़ा के आपका अपनी शासन व्यवस्था में लागू कर दिया। यही है नागवंशी शासन व्यवस्था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसको टर्म को परिवर्तित नहीं किया गया था। वो सारे शब्द जैसे पहान थे, मुंडा थे, पढ़ा थे, वे सारे थे ही। इसके अलावे कुछ कुछ जगहों में जहाँ जरूरत पड़ी उन्हें, वहाँ पर उन्होंने विस्तार किया और अपना जो है शासन व्यवस्था को अपने क्षेत्र में लागू किया। तो इनका जो भू व्यवस्था था यानी कि कर सिस्टम था, सेम था, वही था। शासन व्यवस्था भी वही था और कर व्यवस्था भी वही था। लेकिन जैसे जैसे मुगल काल आया, प्राचीन काल पहली शताब्दी के बाद जैसे जैसे मुगल काल आया, मुगलों का प्रवेश जब हमारे देश में हो गया, उस काल के बाद इस एरिया में मुगलों का प्रवेश होना चालू हो गया। और मुगलों का प्रवेश जब हुआ तो उन्होंने शासन व्यवस्था में परिवर्तित करना चालू कर दिया और उन्होंने एक टर्म दिया जो कि वे लोग कहते थे कि हम जागीरदारों से कर वसूलेंगे, यानी कि जो वहाँ के राजा है उससे कर वसूलेंगे, कृषकों से हमें कर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो मुगल शासन, जो मुगल सेना थी, वह राजाओं पर ही कर का नियंत्रण करने लगे, राजाओं से ही कर लेना चालू कर दिए। उन्होंने इस क्षेत्र में जो राजा हुए उस समय मुख्य रूप से आपको राजा का नाम जो मिलेगा वह दुर्जन साल का नाम मिलेगा, जो आपका 1765 में उन्हें बंदी बनाया गया था, ये भी मैं बात करूँगा। तो दुर्जन साल के काल में ऐसा हो गया था कि दुर्जन साल जो थे वो शासक थे इस एरिया का, यानी नागवंशी शासक दुर्जन साल थे, और दुर्जन साल जो है उनके ऊपर कर का इतना बोझ बढ़ गया था क्योंकि इस काल में वे लोग कृषकों से कर लेना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि डायरेक्ट मैं जो वहाँ के प्रधान है यानी कि जो वहाँ के राजा है मैं कर उसी से वसूल करूँगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, राजा का खजाना खाली हो जाएगा क्योंकि कर कृषकों से लिया नहीं जा रहा है, राजा भी कर ले नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो खजाना है वो खाली हो गया। तो इसी कारण से 1765 ईस्वी में नागवंशी शासक जो थे, 1765 ईस्वी में जो नागवंशी शासक थे, इसका नाम दुर्जन साल है, आप लिख लेंगे, दुर्जन साल को मुगलों ने कैद कर लिया था और उनको बोला कि अपने एरिया से कर को लेके आओ, तब मैं तुम्हें रिहा करूँगा। तो क्या हो रहा था उस काल में, रैयत जो थे उससे कर लिया नहीं जा रहा था, और उसके लिए जो शासक थे उन्होंने मानकी को कर वसूलने के लिए मानकी को नियुक्त किया गया था। इसका क्या रोल था मानकी का? मानकी लोग मुख्य रूप से भूइहर कहा जाता था, ठीक है। भूइहर मतलब वो होते थे कि उसके पास कोई अपनी भूमि नहीं होती थी, उसका मुख्य कार्य होता था जो वहाँ के कृषक हैं यानी कि रैयत हैं उससे कर वसूल करके राजा के पास जमा करें, और राजा से जो कर है वो आपका मुगल सैनिक लोग आके ले जाते थे।
बाद में जो भूयर लोग थे वो, और क्या होता था कि कर कृषकों से वसूल करते थे, 100 रुपया का 50 रुपया अपने पास रख लेते थे और 50 रुपया मान लीजिए राजा को दे देते थे। ऐसी स्थिति में भूयरों की जो संपत्ति थी वो ज़्यादा होगी, और भूयर लोग क्या किए, अपने अधीन जागीरदारों को भी जागीरदार रखने लगे, और वह जागीरदारों को रख लिए और उसके द्वारा कृषकों से कर की वसूली करने लगे। तो ऐसे इस प्रकार से जो है नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ विशेष मूलचूक परिवर्तन नहीं था, जो भी परिवर्तन था वह आपका इसी में था कि यहाँ पर जो अंग्रेजों ने 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त कर दिया, 1783 में जब 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया इस क्षेत्र में, चूँकि ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस काल तक बिहार बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिल चुकी थी, तो वह अब अपने शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए आज़ाद थे। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, उस दौरान जो है उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया। तो अस्थाई बंदोबस्त को जैसे ही लागू कर देता है तो ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसमें समझने का भी नहीं है कि क्या हुआ था नहीं हुआ, थोड़ा बहुत टर्म पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तब तक आप क्या करें, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1616 ईस्वी में, जो 1765 ईस्वी में नागवंशी है, 1616 ईस्वी, मुझे भी लग रहा था थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1616 ईस्वी में जो है आपका छोटानागपुर खास के जो शासक थे दुर्गन साल जी, उसको जहांगीर ने कैद कर लिया था। जहांगीर ने कैद कर लिया था इस कारण से ही कि कर नहीं चुकाने के कारण से ही कैद किया था। तो जो छोटानागपुर खास का जो आपका शासक हो गया दुर्जन साल, उसे 1616 ईस्वी में जहांगीर के कैद में 12 वर्षों तक रहना पड़ा था, इसी कारण से क्योंकि कर नहीं चुका पाया था। इसके पश्चात जो अंग्रेज लोग ने अपना शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी, और इनकी जो दीवानी थी, जो नागवंशी शासक लोग दीवानी जो वसूल करते थे, वह दीवानी अब पटना काउंसिल के अधीन ट्रांसफर हो गया। पटना काउंसिल में जाके अब दीवानी का जितना भी लेखा जो कहता वो पटना काउंसिल के अधीन हो गया। तो इस प्रकार से देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था में आपको बहुत कुछ पढ़ने का टर्म नहीं है, बस 2-3 टर्म है, उसे ध्यान रखेंगे कि ना पहला शासक जो था वो फणी मुकुट राय था, जिन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था को लागू किया। सारी व्यवस्थाएं पुरानी थी, भू व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं पुरानी थी। इसके काल में मुगल काल को मालगुजारी देना पड़ता था, इस चीज़ को याद रखेंगे। इन्होंने अपने अधीन जो रैयतों से कर नहीं वसूल करते थे तो राजा से कर वसूली करने लगे। इसके कारण से क्या होगा कि राजा का खजाने में लोट पड़ गया और राजा कर नहीं दे पाए, इसलिए 1616 में जो छोटानागपुर खास के राजा थे दुर्जन साल, उन्हें जहांगीर के कैद में 12 साल गुजारना पड़ा। उसके पश्चात जब मुगलों के कैद से वो बाहर निकले, अंग्रेज शासन व्यवस्था लागू हो चुकी थी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू हो गई थी, तो 1793 में यहाँ अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गई, और अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद इनकी जो दीवानी के अधिकार थी वो छिन गई, और ये दीवानी के अधिकार आपका पटना काउंसिल को चली गई। इस प्रकार से नागवंशी शासन व्यवस्था जो है यह यहीं पर समाप्त हो जाती है, और इसका जो मूल आधार था, इस आधार को आप जानेंगे, मूल आधार इसका भी मुंडा शासन व्यवस्था ही रहा है। इतना टर्म को आपको याद रख लेंगे तो यह शासन व्यवस्था आपका आराम से हो जाएगा, और इस शासन व्यवस्था में आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ 3 नाम रखेंगे, फणी मुकुट राय, दुर्जन साल और जहांगीर। 1616 में जहांगीर जी ने जो दुर्जन साल को कैद कर लिया, वो कहाँ के शासक थे, छोटानागपुर खास के शासक थे, ये याद रखेंगे। दूसरा रखेंगे कि किन्होंने लागू किया, फणी मुकुट राय ने, व्यवस्था बाद बाकी सब वही थी, और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।